पुलिस और पुलिस की ओर से रास्ता जिले में। देखिए अभी हाल के दिनों में ये जिले में होने वाली सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है। कुल 65 सेंटर हैं जिन पर करीब 29,000 जो परीक्षार्थी हैं वो आएंगे, और इसको लेकर के हमने कलेक्टर साहब के साथ मीटिंग की है और विभिन्न लेवल पे अलग अलग तैयारियां की है, फिर चाहे वो ट्रांसपोर्ट की हो परीक्षार्थियों को लाने छोड़ने के लिए, चाहे वो सेंटर पर जो फ्रिस्किंग और पुलिस डिप्लॉयमेंट की हो, चाहे जनरल रेलवे स्टेशन बस स्टैंड और बाज़ारों में कानून व्यवस्था की हो, चाहे नकल रोकने की हो, तो इस प्रकार की जो भी तैयारियां हैं वो हमने पूरी की है। जल्दी हम परीक्षार्थियों को ये भी बताएंगे कि वो रात में अगर आ जाते हैं तो कहाँ रुक सकते हैं, कहाँ उनके रुकने के लिए व्यवस्थाएं कराई गई हैं, उनका सेंटर किस तरफ है, सेंटर की पार्किंग कहाँ पर है। मेरी आपके माध्यम से सभी परीक्षार्थियों से अपील है कि वो किसी अपना मोबाइल फ़ोन, चेन, लॉकेट, जैसा कि उनके एडमिट कार्ड में है, ऐसी कोई वस्तु सेंटर के अंदर नहीं ले जाएं, क्योंकि वो किसी सूरत में अंदर अलाउ नहीं की जाएगी। उसके अलावा यदि आपको कहीं से कोई सूचना मिलती है कि कोई व्यक्ति आपको पेपर दिलाने की या नकल कराने के झूठे प्रलोभन दे रहा है, तो उसकी सूचना पुलिस थाने को, पुलिस कंट्रोल रूम को, या जो जिला कंट्रोल रूम है उसको दे, ताकि इस तरह के जो लोग हैं उन पर भी हम कार्रवाई करके इस पर अंकुश लगा सकें।